अर्चना गौतम आप ही हो? हाँ जी। दोस्तों में ताला लग रही थी, पतला कर दिया आप लोगों ने मेरे को, पतला कर दिया। वोट दोगे जब तो मोटे होंगे। कोई ना विधायक बना के कर देंगे, चिंता मत, दिक्कत मत मानो। याद रखियो तीन अभी बजा आएगा ना। तो राम राम मेरे सभी सनातनी भाइयों बहनों, मैं आपका अपना भाई लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी वो। आप 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 7वीं सूची में पूरी डिबेट के बाद यह कहते हैं कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल एक बड़ी समस्या है, फैमिली प्लानिंग एक बड़ी समस्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कानून बनाए, यह संशोधन करके रख दिया आपने, लेकिन इसको छुआ नहीं, क्योंकि इसके छूते ही सरकार सेकुलर नहीं रहेगी। तो जिन लोगों ने आज संविधान की कसम लेकर के शाहीन बाग पर बैठे हैं, कम से कम संविधान तो छुआ, और कहिए कि इस संविधान में जो लिखा है वही आने वाला है, चिंता मत करो। तो इतना तो आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं ना कि तुम ही संविधान लाए हो, वो तो लेके आया था, उसने तो सर पर उठा के रखा हुआ है संविधान, तुम ही मजाक समझ रहे थे। दिया जा रहा है तुम्हारी वजह से, पिछली बार बवाल हुआ, ठीक है, इस बार ढंग से रहना, और अगले 14 दिन जब तक चुनाव होने जाए, कहीं जो है बिना काम के अगर निकल गए और पुलिस को मिल गए तो पूरे शरीर पे नील का निशान बना देंगे। लेकिन ये साधारण चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश का, ये पूरी दुनिया और देश इस चुनाव की तरफ देख रही है। अभी नितिन नवीन जी ने बोला होली के बारे में, ये मथुरा की, बरसाने की, वृंदावन की, ब्रज की होली जो पूरी दुनिया देखती है, याद रखना इस बार होली शुक्रवार को पड़ रही है, शुक्रवार के दिन होली पड़ रही है। इस बार जब आजम खान की सरकार होती थी, जुम्मे के दिन होली पड़ती थी, 12 बजे के बाद होली खेलने पर बैन लगा दिया जाता था कि उसके बाद ये नमाज पढ़ने निकलेंगे सड़कों पर। 10 तारीख को आपका वोट ये डिसाइड करेगा कि होली 12 बजे तक चलेगी या होली पूरे दिन चलेगी, ये आपके वोट से डिसाइड होगा 10 तारीख को। बताओ होली 12 बजे तक खेलनी है कि पूरे दिन खेलनी है? तो पूरे दिन कौन सी पार्टी को वोट पड़ने पर होली बनती है? भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान। कौन सा है? बेटा ही हुए हैं ये बेटा है? हाँ जी। और कोई है? एक पीछे और है। ये तीनों आपके बेटे हैं? हाँ जी। एक मिनट, ये तीनों आपके बेटे हैं? तीनों भाई हो आप लोग? क्या नाम है आपका? संदीप चौधरी। आपका? शुभम चौधरी। आपका? मंजीत। तीनों भाई हो? अब मैं क्रॉस चेक करूँ, आपके पिताजी है ये? हाँ जी। तो पिताजी है गठबंधन की तरफ, RLD की तरफ, तीनों बेटे बीजेपी की तरफ। और एक दिलचस्प बात और,
अभी इनके पिताजी थे, मतलब तीन जनरेशन जो थे जो पता नहीं बीच में चले गए, वो भी बीजेपी, हाँ वो बीजेपी के सपोर्ट में। अलग बेवकूफ है जी। अच्छा, और आपकी पत्नी किधर है? हमारी तरफ। पत्नी किसकी तरफ रहेगी? हमारी तरफ रहेगी। सुनो भाई, लोक दल में है वो, हमारी तरफ है, तो इनकी तरफ कब जाएगी? जहाँ हम कहेंगे वहाँ चलेगी। एक मिनट एक मिनट, आपकी माँ किधर है? यही हम बीजेपी में ही है। आपकी माँ बीजेपी में, आपके दादा बीजेपी में, आप तीनों बीजेपी में जी। तो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं क्या? बहकी बातें कर रहे हैं, बहक गए आरएलडी वाले, बहका लिए इन्होंने। ये लो, अब आपके बेटे ही आपको कर रहे हैं। बालक पागल है, पागल ये पहली बार ऐसा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। हमारे यहाँ न कोई जाति न कोई पाथा, हम चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, सब ज्वाइंट होकर चलते थे। ये तो वोट बैंक करने के लिए सपा बसपा ये तमाम पार्टियां जो है कांग्रेस ये सब राजनीति करना शुरू किए। ये हम यादव हैं, ये हरिजन हैं, ये मायावती हैं, है हिंदू एक है।